नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराज शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। कोतवाली पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी को रोककर तलाशी के दौरान तीन युवकों से पूछताछ की थी, जिसमें पुलिस ने पूछताछ के दौरान अवैध रूप से 60 किलो गांजा बरामद किया है। सीएसपी भारत भूषण शर्मा के अनुसार रायसेन सांची के रास्ते होते हुए ये युवक विदिशा की ओर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों युवकों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलएन चौबे की रिपोर्ट। वर्मा जी के सख्त निर्देशों पर से जिले में कार्रवाइयां के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली जयपाल नाथी जी और उनकी टीम सहायक उपनिरीक्षक दौरे और आरक्षक कमल कुलदीप, इनके द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था। तो सांची से उदयगिरी आते समय एक मारुति MP09 CV6750 गाड़ी संदिग्ध नज़र आई, जिसको घेराबंदी करके रेड किया गया और उसमें बैठे व्यक्तियों को उतार के पूछताछ की गई। तो उसमें 60 किलो गांजा वाहन के अंदर पाया गया और जो अलग अलग पैकेट्स में गाड़ी में छुपा के रखा गया था, और इसमें खिलान सिंह, सोनू धाकड़ और मुन्ना कुशवा, ये तीन व्यक्ति के आधिपत्य से गाड़ी में मिला, जिसको पुलिस की हिरासत में लेके आया गया और एनडीपीएस के तहत अवैध गांजा रखने पर से कार्रवाई की गई है और इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके किराए करने वाले सूत्रों से भी गहन पूछताछ करके अंडर इन्वेस्टिगेशन।